बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहब सबसे पहले मैं आगंतुक सत्संगी भाई बहनों का अभिवादन करता हूं जो मेरे 73वें जन्मदिन पर मुझे बधाई देने के लिए विश्व के कोने कोने से आए हुए लोग हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय हम सब एक प्रतिस्पर्धा के युग में जी रहे हैं। आपको ध्यान होगा मैंने प्रतिस्पर्धा पर भी बात की है। प्रतिस्पर्धा के दो अंग हैं। अगर आप प्रतिस्पर्धा विकास के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, बशर्त उसमें ध्वंद नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर एक धावक दौड़ रहा है, उसके साथ और काफी आदमी दौड़ रहे हैं, तो उनको देखता है और अपनी गति बढ़ाता है ताकि मुझसे कोई आगे न जा पाए। ये अच्छा है, प्रतिस्पर्धा आपको ऊंचाई तक भी ले जाती। लेकिन प्रतिस्पर्धा में अगर ध्वंदता है तो वो फिर विनाश कर देती है। उदाहरण के लिए दौड़ते दौड़ते दूसरे को लंगड़ी मार दी, उसको गिरा दिया, खुद आगे गए, ये प्रतिध्वंदता हो जाती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज हम प्रतिस्पर्धा के युग में जी रहे हैं। 18 अप्रैल को मेरा 73वां जन्मदिन कल है, तो हमने सबको आहूत किया वेलकम, आप रांझड़ी आए। हमने उन सबके लिए बड़ी तैयारी की, 6 महीने परमिशन ली। अभी कम से कम एक प्लाटून पूरी CRPF की भी सुरक्षा के लिए आश्रम में आई हुई है, लेकिन किसी मत और पंथ के बड़े आदमी ने नेट पे डाल दिया कि गुरुजी ने कहा है 200 से ज्यादा आदमी नहीं इकट्ठे होना। हाँ, ये चौंकाने वाली बात है, ऐसा तो मैंने कहा नहीं। क्या प्रयोजन था उस आदमी का जो ये बोलने वाला, ताकि उनके यहां ग्रेजुएशन नहीं हो। हम इस प्रतिद्वंदता में नहीं आए। हाँ, वास्तविकता यह प्रतिस्पर्धा में भी नहीं हूं मैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा निसंदेह एक स्थूल हो या सूक्ष्म धुंध को जन्म देती है। पर जगत के लोग अगर विकास के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं तो उसको मैं खंडित नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं फिर वेलकम करता हूं, आप उन बातों की तरफ नहीं जाएं जो नेट में कुछ लोगों ने भ्रमित करने के लिए डाली है। वेलकम करता हूं मैं आप सबको, आप आए अधिक मात्रा में आए और यहां आकर इस अवसर पर आश्रम की शोभा बढ़ाएं। पिछले 3 साल से लॉकडाउन के कारण हमने कोई आयोजन नहीं किया। रांझड़ी में हम साल में 4 विशाल प्रोग्राम रखते हैं जिसमें करीब 1,00,000 लोग आते हैं। पहला 31 दिसंबर या 1 जनवरी स्थापना दिवस के रूप में, उसमें बहुत लोग आते हैं। दूसरा मेरे जन्मदिन पर विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं। तीसरा सदगुरु कबीर साहब की जयंती पर गुजरात महाराष्ट्र पूरे विश्व से लोग आते हैं। चौथा गुरु पूर्णिमा एक महान पर्व है, देश के कोने कोने से लोग उस पर्व पर यहां आकर शोभा बढ़ाते हैं। इसलिए हम जब 3 साल हमने ये पूरा पूरे आयोजन बंद किए थे तो पूरा सिस्टम हमारा जाम था। हम पिछले 4 महीने से लगे हैं इस सब चीज की तैयारी में, क्योंकि जब इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे तो उनके रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, स्नान की व्यवस्था, अन्य शौचालय की व्यवस्था, इसमें हमारी पूरी टीम पूरे सेवादार पिछले 3-4 महीने से लगे हैं। इसका उल्लेख मैंने पहले भी किया है। तो एकाएक 2 दिन से जब कुछ लोगों ने ये मीडिया में डालकर वायरल किया भ्रम कि गुरुजी कह रहे हैं 200 से लोग नहीं आना, ऐसा नहीं कहा मैंने। इसलिए मैंने
लाजमी समझा कि आप सबको इस भ्रम से बाहर निकालूं। मैं तो वेलकम कर रहा हूं अभी। आइए बंधु, छोटी सी एक और खबर देता हूं। कल 18 अप्रैल है, मेरा 73वां जन्मदिन है। उसमें दूर दूर से लोग आए, तो मैंने एक प्लान किया कि इनको थोड़ा जम्मू कश्मीर घुमाऊं। इसलिए हमने निशुल्क एक यात्रा निकाल रहे हैं हम, जिसमें हम कई बसें किराए पर ले रहे हैं, पर हम संगत से और सत्संगियों से पैसे नहीं लेंगे किराए के। कुछ अपनी भी बसें और गाड़ियां, कुछ नामियों की भी है। ये यात्रा 19 तारीख को हम सुबह 7 बजे रांझड़ी से निकालेंगे, नाश्ता करा के। पहले हम निमाई कटरा में, हमारा आश्रम है माता वैष्णो का, जहाँ पर धाम है, उनको वो घुमाऊंगा। फिर कटरा होते हुए हम जाएंगे रियासी, नहीं पहले हम चले जाएंगे कौड़ी। ये कौड़ी वो स्थान है जहाँ विश्व का सबसे ऊंचा पुल बन रहा है, आप नेट में भी देख सकते हैं। बड़ा रमणीक दृश्य है वहाँ, चारों तरफ हिमाच्छादित विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो बहुत नज़दीक से दिखती हैं। वहाँ से गुल गुलाबगढ़ के लिए भी रास्ते जाते हैं। तो लोगों को वहाँ हम एक अध्यात्म भ्रमण यात्रा के तौर पर ले जाएंगे। वहाँ प्रोग्राम देकर उनको थोड़ा घुमाकर फिर वापस हम रियासी आश्रम में आएंगे। भोजन हम वहीं कोड़ी में करेंगे, पूरी व्यवस्था हमने कर रखी है। वहाँ से फिर वापस हम रियासी में आएंगे और शाम का जलपान चाय वगैरह वहाँ लेंगे और वापस 7 बजे हम रांझड़ी आ जाएंगे। इसमें हमने प्रेफरेंस किसको दिया है? इसमें हमने प्रेफरेंस दिया है जो बाहर से लोग आए हैं, हम बसों और गाड़ियों में उनको ले जाएंगे। मैं संगत से प्रार्थना करना चाहूँगा कि जिनके पास अपनी गाड़ी 7 सीटर हैं या ऐसी गाड़ियाँ हैं वो आप लाएं और इस अवसर पर एक दिन की सेवा दें। तेल वगैरह हम उसमें भरा देंगे, अगर आप किराया कहेंगे तो मैं किराया भी दे दूंगा। तो और बाकी जो ये लोकल लोग हैं उनसे मेरा अनुरोध है, वो अपनी गाड़ियाँ लाएं, उसमें आश्रम से हम झंडा और बैनर लगाएंगे, उस रैली में बोबली लोग चले, ताकि ये बड़ी शोभा बने। मुझे उम्मीद है आप मेरी प्रार्थना को पर ध्यान देंगे। ये बड़ी विशाल यात्रा हम निकाल रहे हैं 19 तारीख की, और 20 तारीख का मैंने प्लान किया है। जो हमारे यहाँ लोकल आश्रम है, अरनिया है, बिश्ना, आरिसपरा, रखबंधु और अन्य आश्रम होते हुए अखनूर में लोगों को हम 20 तारीख को अखनूर की भी यात्रा करा करके फिर शाम को यहाँ वापस आए। मैं अपनी बातचीत शुरू करूँगा। आपको ध्यान होगा मैं एक विषय पर बहुत अधिक बोलता हूँ, मन पर और जगत पर, आत्मा पर, गुरु पर और नाम पर। आइए वो संवाद उठाता हूँ। एक आत्मसत्ता ही ऐसी है जो सदा एक रस रहती है, क्योंकि आत्मा में 5 तत्व न होने कारण से आत्मा नित्य है। किसी भी देश काल में आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, इसलिए उसे अविनाशी कहते हैं। बिना स्पंदन के उसको जाना नहीं जा सकता है। वैसे ही जब चित्त में संवेदन होता है तो यह संसार प्रबल भ्रम हो जाता है, यानी ये संसार हुआ ही नहीं है। साहब भी कह रहे हैं, जगत है रैन का सपना, समझना कोई यहां अपना। नानक देव जी फरमाए, जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इसमें कुछ साचो नहीं नानक साची मान। अगर वशिष्ठ जी को आप देखेंगे पूरा, तो वशिष्ठ जी के पास, क्योंकि मैंने ये प्रमाण भी दिया है कि त्रेता में साहब ने वशिष्ठ जी को दीक्षा दी थी, ऐसे कह रहे चित शांत होने पर तो संसार का भ्रम भी निवृत्त हो जाता है। जगत क्या है? आपका चिंतन है, आपकी मेमोरी है, आपका संकल्प है। बस मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले तो हो गया भजन। जिस प्रकार आकाश में शून्यता और अग्नि में उष्णता भाषित होती है, उसी प्रकार आत्मा में जगत प्रतीत होता है। जिस भांति जल एवं द्रव्य पदार्थ एक द्रव्य पदार्थ है, इसलिए वह तरंग रूप होकर के दिखाई देता है। पर दरअसल ये तरंग जो है
ये जल की वृत्ति नहीं है, तरंग तो वायु के संसर्ग के कारण होती है। उसी भांति आत्मसत्ताई जगत का रूप होकर दिखाई देती है। अब यहां विद्वानों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने एक बात और कही, बड़ी साफ साफ कह दी, भाई जगत तो हुआ ही नहीं है ना, ये तो तुम्हारे मन की सुपर्णा है। जिस भांति जल आगे क्या करे, हे राम यह आत्मा आकाश के समान शुद्ध और कान आंख नाक त्वचा शरीर और शब्द रूप रस गंध स्पर्श से रहित है। गजब है, इसमें कोई गंदगी नहीं है। आप देखो संसार में हर जगह गंदगी, काया में देखो तो गंदगी गंदगी, पर वो शुद्ध है। सब रसों का आप भोग करने वाली भी आत्मा है। क्यों, अब आत्मा का तो इंद्रियां ही नहीं है, भोग कैसे। अभी हम वशिष्ठ जी कैसे कह रहे हैं, सभी रसों का भोग करने वाली भी आपकी आत्मा ही है, क्योंकि वो आत्मसत्ता ही शरीर को चेतन किए हुए है। और आत्मसत्ता आज्ञा चक्र में बैठ करके शरीर का संचालन कर रही प्राणों द्वारा, इसलिए जो भी इंद्रियां हैं वो आत्मा के स्पंदन के द्वारा ही क्रियान्वित हो रही है और अनुभव कर रही है। मुझसे एक किसी आदमी ने एक सवाल किया, गुरु जी जब आत्मा कर्ता भोक्ता दोनों से रहता है फिर आत्मा को दंड क्यों मिलता है, नाना शरीरों में भ्रमण क्यों करती है। मैं कहा तुम्हारा सवाल बड़ा यूनिक है, तुम उत्तर बड़े ध्यान से सुनना। आत्मा अज्ञान के कारण ही मन के संसर्ग में है, और मन द्वारा जो भी कार्य इष्ट अनिष्ट किए जाते हैं उन सबकी शक्ति आत्मदेव दे रहा है, इसलिए आत्मा को भी भोगना पड़ता है। जीव पड़ा भाव लूट में ना कुछ लेने देन, वस्तुतः यह आत्मा को किसी भी संसार के पदार्थ से कुछ लेना ही नहीं है। जैसे बालक अज्ञानता के कारण परछाई के साथ खेलता है, वो कोई और आदमी नहीं होता है, कभी कभी भयभीत हो जाता है, वो तो उसका ही एक भ्रमित रूप है। इसी प्रकार जगत हुआ ही नहीं है, ये तो तुम्हारा चिंतन है, इसलिए इस तरह जगत के प्रति जो मन का स्पंदन है रोक देने के बाद बात ही खत्म हो जाती है। एक अच्छा उदाहरण मिलता है, जितने भी दुनिया के मत मतांतर हैं आत्मसत्ता के लिए वो एक ही सूत्र देते हैं, वो सूत्र ये देते हैं, एकाग्र हो जाओ। एकाग्र होने का मतलब है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार को समेटकर इंद्रियां और शरीर की पूरी प्रक्रियाओं को रोक दो, उसके बाद जो चेतन सत्ता अभीष्ट रही वो ही तुम हो, तुम शरीर नहीं हो। आत्मा शरीर के अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, बड़ा कौतुक है। अगर अंदर है तो फिर तो आत्मा बंद गई, अगर बाहर है तो शरीर कैसे चल रहा है। इसलिए मन मन पर कह रहे हैं, न तो ये जड़ है न तो पदार्थ चेतन है। हाँ चौंक जाएंगे आप, मन जड़ भी नहीं है और चेतन भी नहीं है। अगर जड़ होता तो क्रियान्वित कैसे होता, अगर चेतन होता तो फिर अज्ञान में कैसे बनता। जहां सूर्य का प्रकाश होता है वहां रात्रि नहीं हो पाती है, यानी जड़ चेतन की मध्यम स्थिति है। वो क्यों है, क्योंकि इस जड़ रूपी मन में जब आत्मा का समावेशन हो गया तो ठीक मन वैसे ही क्रियान्वित हुआ जैसे शरीर में प्राणों का संचालन होने के साथ शरीर क्रियान्वित होता है। वस्तुतः शरीर तो जड़ है पर वो क्रियान्वित हुआ आत्मा के संसर्ग से, इसलिए सब हम कह भी रहे हैं, बड़ी विडंबना है, हम सब एक बात भी कह रहे हैं, मन माया में बंधे हैं। अब माया में कैसे बंधे हैं, मन को भौतिक जगत का आभास कराने के लिए भौतिक पदार्थों की जरूरत पड़ी, पंच भौतिक तत्वों का, जिससे विषय विकार इंद्रियों के भोग होते हैं। इसलिए देखो ये दोनों सहचरणी होकर के, मनमाया तो एक है, आत्मा को भ्रमित कर दिया। इसलिए कह रहे हैं राम जगत तो उत्पन्न नहीं हुआ है, और इसलिए फिर यूं कह रहे हैं ये संसार भी ब्रह्म रूप है, क्योंकि आत्मा की सत्ता के द्वारा ही संसार की अनुभूति हो रही है। आपकी आत्मा की ऊर्जा बाहर चली गई तो आप संसार को देख रहे हैं, वस्तुतः संसार की उत्पत्ति हुई नहीं है, ये ब्रह्म प्रतीत होता है। वैसे ही जगत भी आत्मा से भिन्न नहीं है,
आत्मा का ही एक रूप है, यह आत्मा अद्भुत है, इसके जीभ नहीं है फिर भी बोलती है, इंद्रियों से रहते होने पर भी सब भोगों को भोगती है, आदित्य रूप होकर फिर भी द्वैत रूप में प्रतीत होती है, और साकार निराकार रूप से अलग होते हुए भी साकार प्रतीत होती है। हे राम यह जगत को, हे राम इस जगत को इसी आत्मा का रूप ही समझो। आप देखते हैं जब मनुष्य के प्राणांत हो जाता है उसके बाद क्या होता है, न तो आँख काम कर रही है, न तो कान काम कर रहे हैं, न तो शरीर में कोई स्पंदन होता है। सीधी बात थी कि आत्मदेव इस पूरे शरीर को ढो रहा है। साहब का एक शब्द मैंने हजारों बार बोला, बड़ा प्रिय है, आप हो आप ही बंद लो। आत्मा ने अपने आप को खुद बांध दिया है, इसे बांधने वाला कोई नहीं। कहत कभी नलनी के सुखना तो है कह पकड़ो, इस जगत को इसी आत्मा का रूप समझो। जब तुम इस पर मनन करोगे तुम्हारा जगत ब्रह्म अवश्य ही मिट जाएगा। मनुष्य क्या चिंतन ही तो है, वस्तुतः जगत कुछ नहीं है, सदैव अपने ही स्वरूप में आप स्थित हैं। जब मन में विकार उत्पन्न होते हैं तभी संसार भासता है, मन के शांत होने पर समस्त कल्पनाएं नाश को प्राप्त होती है और आत्मसत्ता में विश्वास होता है। मन की तरंग मार दे बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले हो गया भजन। इसी आत्मसत्ता से सारा जगत अनुभव होता है और उत्पन्न हो रहा है। हाँ बिल्कुल, मैंने दार्शनिक गेटे की बात भी कई बार आपको बोली है, मुझसे पहले कोई संसार नहीं था, ये मेरा सृजन है। इसलिए आत्मा की, आत्मा सबकी अधिष्ठाई है, अधिष्ठिति है, अधिष्ठा है। आत्मा या स्त्रीलिंग बोलना भी ठीक नहीं है, आत्मा स्त्रीलिंग भी नहीं है, पुलिंग भी नहीं है, इसलिए आत्म तत्व बोला। आत्मा जागरूक करो, किंतु इसकी रचना करने वाला कोई नहीं आते। आत्मसत्ता अकारण अद्वित्य, जरावस्था से रहित अमर और नाना प्रकार की कल्पनाओं से रहित ज्ञान रूप शुद्ध चिन्ह मात्र है। यानी आत्मा की उत्पत्ति नहीं हुई है, जो पदार्थ उत्पन्न होता है उसका विनाश अवश्य भावी होता है, इसलिए आत्मा उत्पन्न ही नहीं हुई है। राम जी ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, हे महामुने, सृष्टि के अंत में जब महाप्रलय होती है तो जड़ चेतन सब प्रकार के संपूर्ण पदार्थों का नाश हो जाता है, जड़ चेतन सभी पदार्थ नाश हो जाते हैं, उसके पश्चात जो शेष रहता है वह तम तो है नहीं, उसको चाहे तो शून्य या प्रकाश कहिए, चाहे चेतन जीव मन बुद्धि सत असत्य संपूर्ण अथवा अपूर्ण, इन नामों से पुकारिए, इनमें से कोई तो वह होगा। अतः अब आप किस प्रकार यह कह सकते हैं कि वाणी द्वारा उसको नहीं जाना जा सकता। वाह, राम जी कह रहे कुछ तो बाकी बचा होगा ना, तो आप कैसे कह रहे हैं उसे वाणी द्वारा नहीं जाना जा सकता। हे महामुनि, मुझे शंका है, महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम जी यह तुमने बड़ा गंभीर प्रश्न किया है, मैं लोगों को समय देता हूं, यह मेरा कर्तव्य बनता है कि शिष्य की शंकाओं का निराकरण करूं, विडंबना क्या है। पहले मैं इसके लिए सत्संग के बाद एक घंटा देता था, लोगों को कहता था अपनी शंकाओं का निराकरण करो। आप मानेंगे ये कार्य मैंने 2 साल चलाया, मैंने बंद कर दिया, मैं उबा, क्योंकि सब वो घरेलू कहानियां बताते थे आकर, सास ने मारा, ये किया, भाई यूं किया, फलाना किया, ढिकाना किया, ये संसार झाड़ और झंकड़ उलझ फुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश में रहना है। तो साहब मैंने कहा ये फिजूल टाइम फिजूल चीज़ों में, और सबका एक ही हल है, सकल रोग की औखद नाम,
जितना चिंतन करते जाओगे नेगेटिव होते जाओगे आप। मैं लोगों को कहता हूँ आप किसी के लिए ईर्ष्या मत रखो। जो आपने किसी के लिए ईर्ष्या रखी है उसका तो कुछ बिगाड़े ना बिगाड़े अलग बात है, पर आपका बहुत नुकसान कर देगी वो ईर्ष्या। बस एक सीधी सी बात है, मन मिले का मेला ना तो सबसे भला अकेला। जिससे व्यवहार नहीं बन रहा, शत्रुता नहीं बना, साइड हो जाना। सहजे मार कबीर की चित्ते दे उतार, ये सबसे उत्तम फार्मूला साहब ने बोला है। राग नहीं रखो, बदले की भावना नहीं रखो, वो पाप होगा। अगर तुम में शक्ति है, अपनी शक्ति से किसी का आपने विनाश किया, ये भी तो अकर्म हो गया ना। वो अपने किए हुए का खुद भोगेगा। तुझे बरानी क्या पड़ी, तू अपनी और निभे। बस सहज साहब ने फार्मूला बताया, सहजे मार कबीर की चित्ते दे उतार, मन मिले का मेला ना तो सबसे भला अकेला। तो बंधु, हे रघुवीर, जब महाप्रलय होती है तब संपूर्ण दृश्यों का नाश हो जाता है, जो कुछ शेष बचा रहता है वो शून्य भी नहीं होता है। वाह, वो शून्य भी नहीं। अब वो शून्य तक बात करें, बोला वो शून्य भी नहीं होता है, शून्य भी नाश को प्राप्त हो जाते, क्योंकि दृश्याभास सदैव रहता है। जैसे शिल्पकार पाषाण स्तंभ में पुतलियों की कल्पना करता है कि इसमें इतनी पुतलियां निकाली गई, वैसे ही आत्मरूप स्तंभ में मन रूपी शिल्पकार जगत रूपी पुतलियों की कल्पना करता है। वाह, बहुत गंभीर प्रश्न है। यानी कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बनाया मन से, क्या बात है। बिना आत्मा के मन पंगु है, कुछ नहीं कर सकता है। अभी देखिए, मैं लाइव प्रोग्राम दे रहा हूँ, मेरा स्वरूप भी आप तक पहुँच रहा है, उसकी वेब और साउंड भी पहुँच रहा है। इसके लिए यहाँ सिस्टम है, लैपटॉप हैं, कंप्यूटर हैं, बाकी अन्य सिस्टम हैं, कि अच्छे अच्छे कैमरे हैं, अच्छे अच्छे माइक हैं। अगर ये सब न हो तो दूर दराज में बैठे आदमी के पास मैं अपनी अपना संदेश नहीं पहुंचा पाऊंगा। इसी प्रकार आत्मसत्ता के ताकत के द्वारा ही ये मन बाकी इंस्ट्रूमेंट है ओनली। आप देखिए, इस इंस्ट्रूमेंट ने मेरे स्वरूप को आप तक पहुंचाने में मदद की ना। इसी प्रकार ये जगत मन और आत्मा है, इसलिए मन के निग्रह होने के बाद संसार का अस्तित्व खत्म हो जाता है। यहां साहब क्या कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। इसी भांति ये जगत आत्मरूप है, इस संसार का सद्भाव असद्भाव आत्मा से ही होता है, शून्य में नहीं। हे राम, जिस प्रकार जल में तरंग अपने कहने मात्र का ही होती है, नहीं तो जल का ही उसका प्रकार है, जगत भी केवल कहने के लिए वस्तु तो कुछ भी नहीं है, यह आत्मा का ही रूप है। वाह, आप देख रहे हैं थोड़ी देर के लिए, मृतक आदमी की ये शरीर की सभी क्रियाएं समाप्त हो जाती है, उसे आभास वगैरह कुछ नहीं हो पाता। इस प्रकार से सुमरण एक बेहतरीन आयाम है आपको आत्मनिष्ठ होने के लिए। मैंने कई बार संगत को बोला है कि आप अपने घर में एक दुआ जरूर लिखो, उस वो हमेशा आपको प्रेरणा देता रहेगा, सुमरण गाइड करता रहेगा। सुमरण से सुख होते हैं, सुमरण से दुख जाए, कहे कभी सुमरण किए साई माए समाए। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, मुझे अभी प्रोग्राम भी देना है, लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं बाहर। मैं पुनः आपको सचेत कर रहा हूँ, इस समय हमारे आश्रम में कोई बंदिश नहीं है। किसी ने र्यूमर फैलाए कि गुरुजी ने कहा है कि 200 से ज़्यादा लोग नहीं आना, ये कितने गंदे लोग हैं आप विचार करें, इसमें प्रतिद्वंद्वता कितनी है ऐसे लोगों। मैंने ऐसा कहा ही नहीं, ये खूब वायरल हुआ, जगह जगह से फोन आ रहे हैं कि हम आ रहे थे अभी, क्या गुरुजी नहीं आए, 200 आदमी सिर्फ आए। नहीं, आप आए, वेलकम करता हूँ, हमने आपके लिए पूरा इंतजाम किया है, भोजन का, अनाज का, साग सब्जियों का, रसोइयों का और कमरों का, रहने की पूरी व्यवस्था, जल आदि का, बड़ी हाई लेवल पर 3-4 महीने में हमने इसकी पूरी व्यवस्था की है। आप वेलकम, आप आइए, आप इन रूमरों की तरफ नहीं जाएं, वो ब्रह्म फैलाने वाले हैं, उनका एक ही अभिप्राय है कि हमारी प्रसिद्धि थोड़ी कम हो, इसीलिए फिर मैंने यात्राएं भी निकाल लिया। ठीक है, मैं प्रतिकार हिंसा से नहीं करता हूँ, विचार से करता हूँ।
हिंसा से प्रतिकार करने से आप भी हिंसक हो जाएंगे। इसलिए अज्ञान का प्रतिकार ज्ञान के द्वारा किया जाना चाहिए, हिंसा के द्वारा नहीं। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहेब।